जिला प्रशासन हत्यारों को इख्तियारों को गिरफ्तार करो। पानीपत के गांव अहर में 3 दिन पहले शादी समारोह में फोटोग्राफर को गोली लगी थी। इस मामले में अब परिजनों ने फोटोग्राफर को रंजिश के तहत गोली मारने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, मामले में परिजनों ने आज सिविल अस्पताल में जोरदार हंगामा किया और शव लेने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल में ही धरना दे दिया। मृतक की पत्नी रंजना का आरोप है कि आरोपियों की ओर से सबूत मिटाए जा रहे हैं। तो जब हॉस्पिटल में मैं पहुंची तो उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, तो कहते बात कर लो। जब वो लिफ्ट में थे तो फिर उन्होंने कहा, मैं तो क्या बात हो गई, कहते गोली लगी। मैं तो कैसे गोली लगी, किसने चलाई, कहते दूर ही उसके दोस्त। मैं क्या बात हुई, कहते बस ये कह रहे थे कि तो बना लो फोटो वीडियो बनानी है, थोड़ा और बनाओ। तो मैंने कहा टाइम हो रहा है, दूर भी जाना है, चलो कोई नहीं। पर कहते इसी बात को इसी मतलब ऐसे कैसे, अच्छा तेरे को बताते हैं हम कि कैसे फ़ोटो कैसे वीडियो बनाई जाती है। और बस उन्होंने फिर गोली उनको मार दी। फिर इसी दौरान उनको फटाफट उनको ऑपरेशन थिएटर में उसी टाइम ले गए। नहीं, हमें तो न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। पहले तो जो जिन्होंने ये कांड किया है वो सामने आने चाहिए, वो बंदे सामने चाहिए। उसके बाद ही हम उसके बाद सोचेंगे कि क्या है, करना है क्या नहीं करना है। वो बंदे सामने चाहिए, कहाँ है वो, उनके घर का कोई बंदा नहीं है वहाँ पे। मैं एक बंदे को पकड़ो, कोई सारे के सारे कह रहे हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई तो बंदा वहाँ पे होगा। एक बंदे को पकड़ोगे क्यों नहीं पकड़े जाएंगे, सारे पकड़े जाएंगे। सबसे पहले जो बंदे ने ये काम किया हमें वो बंदे सामने चाहिए। मामले की सूचना मिलते ही DSP विजेंद्र सिंह और DSP संदीप मोहटके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों को शांत करवाने का प्रयास किया। हमारे पास मुदई ने जो बयान दिए हैं उसके अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे जी, ताकि किसी के साथ गलत ना हो, सिर्फ इसलिए। और जो आज मुदईयों ने जिस भी मुलजिम का नाम लिया है, जिस भी शख्स का नाम लिया है जो इस वारदात में शामिल था, हम उस हर शख्स को गिरफ्तार करेंगे और उसका चलान है। ऑडियो वीडियो अभी यकीन आने मुझे दिखाया है और मैं उसके ऊपर पूरी जनता से बात करके जिस भी इंसान की इस वारदात में इन्वॉल्वमेंट मिलेगी उसको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार करके चलाना। हर फायरिंग पे बैन है सर, समारोह में बैन है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अलग से सेक्शन लगेगी उसको।